वेल आप SBI कार्ड के कस्टमर है तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को जो है SBI कार्ड को अपग्रेड करने का ऑफर मिल रहा है। तो आप भी SBI कार्ड के यूजर हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको ये जानने को मिलेगा कि SBI कार्ड का अपग्रेड करने का ऑफर किसको मिल रहा है और किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आप सभी का और ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब कार्ड का अपग्रेड करने का ऑफर आता है तो किसको करना चाहिए। देखिए, जब भी आपको कार्ड का अपग्रेड करने का ऑफर मिलता है तो आपका जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है उससे बेटर बेनिफिट वाला क्रेडिट कार्ड ही आपको ऑफर किया जाता है। हाँ, उसमें आपको अच्छे बेनिफिट तो मिलते हैं, साथ ही उसका चार्जेस भी होता है। जो आप एग्जिस्टिंग कार्ड यूज करते होंगे, हो सकता है उसकी जो एनुअल फीस है 500 रुपए होगी, लेकिन जो आपको ऑफर किया जा रहा है उसका चार्जेस कितना है ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है उस कार्ड का जो चार्जेस है 1000 रुपया हो या 1500 रुपया हो, आपको बेनिफिट अधिक मिल रहे हैं तो आपको उसके लिए सालाना जो चार्जेस है वो भी पे करने पड़ेंगे अधिक ही। तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो एग्जिस्टिंग कार्ड यूज कर रहे हैं उससे आपकी जो नीड्स हैं, यानी जो आप कैशबैक के लिए जिस क्रेडिट कार्ड को लेना चाह रहे थे, जिस ऑफर के लिए आप क्रेडिट कार्ड को लेना चाह रहे थे, वो वाला ऑफर जो है उस कार्ड से फुलफिल नहीं हो रहा है, तब आप अपने कार्ड को अपग्रेड कीजिए। अदरवाइज आपको अपग्रेड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका जो चार्जेस है ईयरली वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और अब ये जान लेते हैं कि ये जो ऑफर अभी किस किस को मिल रहा है। तो देखिए, जिस किसी का भी क्रेडिट कार्ड जो है 1 साल से पुराना हो चुका है उनको ही अभी अपग्रेड करने का ऑफर मिल रहा है। तो आपका भी कार्ड अगर 1 साल से पुराना हो चुका है तो हो सकता है आपको ऑफर मिल गया हो, और हो सकता है आपको मैसेज के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा आपको बता भी दिया हो, लेकिन आप वहां पर चेक नहीं किए हैं या आपको नहीं मिला है। तो कैसे चेक करना है, चलिए ये जान लेते हैं। इसके लिए आपको अपने SBI कार्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर जो आपको 3 लाइन्स मिलते हैं उस पर आपने क्लिक कर देना है। पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको EMI एंड मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपके लिए जितने भी ऑफर्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पर अपग्रेड करने का ऑफर मिला है आपको तो उस पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है और वो आपके लिए फायदेमंद है तो आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। सो आप SBI कार्ड यूज करते हैं तो आपको ऑफर मिला है कि नहीं मिला है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।